आज के इस ऐतिहासिक समारोह में हम सबके अत्यंत इस गर्वी गुजरात के गौरवमयी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, यहाँ उपस्थित सभी मेरे साथी मंत्रीगण, उपस्थित सीनियर ऑफिसर्स, माइक्रॉन की टीम और मीडिया के बंधु, आज वाकई एक ऐतिहासिक दिन है। एक ऐसा ऐतिहासिक दिन जिसके लिए देश ने 40 वर्षों तक इंतजार किया। 1980 में सबसे पहले प्रयास किया गया था सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में लाने का। प्रयास हुए, काफी मेहनत से अच्छे प्रयास हुए, लेकिन जो सफलता देश को अपेक्षित थी वो सफलता उस वक्त नहीं मिल पाई। 1990 में फिर बड़े प्रयास हुए, एक विश्व की सबसे जानी मानी सेमीकंडक्टर कंपनी को लाने के लिए इतना प्रयास किया गया था उस वक्त, समाओ वो भी क्लिक नहीं हुआ। फिर 2005-2006 में बहुत बड़े प्रयास एक बार फिर हुए, फिर भी वो प्रयास सफल नहीं हो पाए। आखिर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ से बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें लिखी हुई है, ये इतिहास भी उनके हाथ से लिखना। हम सब सेमीकंडक्टर की इंपॉर्टेंस को जानते हैं। जैसे स्टील इंडस्ट्री होती है, अगर स्टील इंडस्ट्री है तो उससे बहुत सारी इंडस्ट्री बनती है। जैसे प्लास्टिक इंडस्ट्री है, प्लास्टिक इंडस्ट्री अगर है, डेवलप्ड है किसी देश में, तो उससे बहुत सारी कई इंडस्ट्री उससे बनती है। जैसे केमिकल इंडस्ट्री है, अपने गुजरात में तो केमिकल इंडस्ट्री बहुत ही डेवलप्ड है, तो केमिकल इंडस्ट्री अगर होती है तो उससे बहुत सारी इंडस्ट्री उससे उस पर डिपेंडेंट रहती है, रॉ मटेरियल लेती है और कई सारी इंडस्ट्री उससे डेवलप होती है। वैसा ही रोल आज सेमीकंडक्टर का हो गया है। ये आज से 50 वर्ष पहले नहीं था, 30 वर्ष पहले नहीं था। 30 वर्ष पहले ये था कि हाँ, जब सेमीकंडक्टर की जहाँ जरूरत पड़े वहां लो, बाकी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सर्किट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनते थे। अब दुनिया की कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है जो बिना सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चर हो सके। चाहे आपका आपके सबके पास है जो मोबाइल फोन, इसमें कई 100 चिप्स लग जाती है, या फिर आपकी कार जिसमें 1000 से ऊपर चिप लगती है, घर में टीवी है, टीवी में चिप्स लगती है, या आप इलेक्ट्रिसिटी लाइट देख रहे हो, प्रोजेक्टर देख रहे हो, इसमें चिप्स लगती है। एक एक ट्रेन में तो 10-10 हजार, 15-15 हजार, 20-20 हजार चिप्स लगती हैं। एरोप्लेन में कितने हजारों चिप्स लगती हैं। कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लो, आज हर प्रोडक्ट में सेमीकंडक्टर की तो जरूरत है ही है। यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के गुरु बैठे हैं, जो सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है महेंद्र जी। मोबाइल फोन इंडस्ट्री सेमीकंडक्टर मोबाइल फोन इंडस्ट्री के लिए फॉर बेसिक रॉ मटेरियल बन गया है। आज हम हिंदुस्तान में करीब करीब 3 लाख करोड़ के चिप्स सेमीकंडक्टर्स इंपोर्ट करते हैं। उस 3 लाख करोड़ में से करीब करीब 1 लाख करोड़ है मेमोरी प्रोडक्ट्स जो माइक्रॉन बनाते हैं। माइक्रॉन है, 2-3 और बड़ी कंपनीज है। माइक्रॉन वर्ल्ड के टॉप लीडर्स में से काउंट होता है। गार्टनर एक बहुत बड़ी रिसर्च कंपनी है, उसके अनुसार माइक्रॉन दुनिया में 5वीं बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी, मैं अगर गलती करूं तो माफ करना कुरशरण जी, लेकिन बहुत बड़ी, मतलब टॉप 10 में हमेशा माइक्रॉन का नाम लिया जाता है। तो 3 लाख में से 1 लाख करोड़ करीब करीब हम मेमोरी चिप इंपोर्ट करते हैं। तो आज का जो ये MOU है, आज जो इतिहास बना है, इस इतिहास में भारत सेमीकंडक्टर में और विशेषकर आरंभ में मेमोरी चिप्स में आत्मनिर्भर बनने का बहुत बड़ा आज का ये स्टेप है। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, आप सब इस इतिहास के भागीदार बने। मैं केवल 3 पॉइंट और रखूंगा। सबसे पहला पॉइंट रखूंगा प्रधानमंत्री जी का क्लियर विजन। जब हम लोग पहली बार प्रेजेंटेशन कर लेके गए PM साहब के पास, टाइम उसके लिए रखा हुआ था 1 घंटे का टाइम रखा था PM साहब ने।
लेकिन करीब करीब 2.5 घंटे तक प्रेजेंटेशन वो पीएम साहब ने देखा, एक एक लाइन पे उनके प्रश्न थे, एक एक विषय पे उनके दो दो तीन तीन चार चार प्रश्न थे। इतना बारीकी से उस पॉलिसी को, पॉलिसी के पहले डॉक्यूमेंट को पीएम साहब ने डिटेल में देखा, हमें आश्चर्य हुआ। हमें लगा प्रधानमंत्री जी जनरली एक एक इस तरह का होता है विचार कि सीनियर लोग केवल पॉलिसी लेवल पे देखते हैं और जूनियर लोग पूरी बारीकी से देखते हैं, लेकिन इतनी बारीकी से उन्होंने देखा। उस मीटिंग के तुरंत महीने भर बाद में फॉलो अप मीटिंग, उसमें भी करीब करीब 2.5-2.5 घंटे के आसपास का प्रेजेंटेशन था, एक एक चीज डिटेल में, और सभी के भारत सरकार के जितने रेलेवेंट विभाग थे सभी को बुलाया उसमें। इतना बारीकी से, जैसे एक अच्छा गोल, एक जो अच्छा फॉरवर्ड प्लेयर नहीं होता है फुटबॉल में कि बॉल इधर जाए इधर गई, इसको पास दिया, उसको आगे किया और एकदम ठीक से उसको गोल के अंदर लेके जाना, वैसी बारीकी से पीएम साहब ने इस पूरे प्रोजेक्ट को अपने हाथ में रखा। बहुत ही डिपार्टमेंट, खूब सारे डिपार्टमेंट्स का इसमें सहयोग पड़ता है। भारत सरकार के अंदर अंदर ही कुल मिला के करीब करीब 15 डिपार्टमेंट्स का इसमें सहयोग रहा, और राज्य सरकार में भी 10-15 डिपार्टमेंट का सहयोग इसमें रहा होगा। तो इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को इतनी सरलता के साथ इस मुकाम तक लाना, ये आज की भारत की बड़ी पहचान है। आज जब पीएम साहब अमेरिका गए तो वहां पर जितने भी बिजनेस लीडर्स, जितने भी इंडस्ट्री लीडर्स, जितने भी देश दुनिया के नामी गिरामी जो सबसे बड़े बड़ी हस्तियां हैं, सबने एक ही चीज बोली कि भारत बदल रहा है, इतना तेजी से परिवर्तन आ रहा है कि जो पुरानी कई सारी दिक्कतें थी वो दिक्कतें खत्म हो रही हैं। ये उसका एक बड़ा उदाहरण है। जैसा गुरुशरण जी ने बोला, एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट APA ज्यादातर देशों में कई वर्षों तक, डेवलप्ड कंट्रीज में भी कई वर्ष लगते हैं, भारत में 5 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हुआ। एक बड़ा उदाहरण है किस तरह से पीएम साहब एक विजन के साथ, एक क्लैरिटी के साथ देश को आगे लेके जा रहे हैं। मेरा दूसरा पॉइंट रहेगा कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री दुनिया में बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है। 650 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, 650 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री आज ही, आगामी 6-7 वर्षों के अंदर अंदर ये 1 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन रहा है। बड़ी बात होती है इतनी ग्रोथ। उस ग्रोथ का बड़ा फायदा, बहुत बड़ा लाभ हिंदुस्तान उठा सकता है। दो कारण है उसके, तीन कारण है एक्चुअली। सबसे पहला कारण है, एक करीब करीब इस पूरी इंडस्ट्री में 1 मिलियन टैलेंट की जरूरत पड़ेगी। करीब कोई 9 लाख बोलता है, कोई 10 लाख बोलता है, जितने डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं, कोई 8.5 लाख टैलेंट की जरूरत बहुत बताता है, लेकिन अंदाजन करीब करीब 10 लाख यानी 1 मिलियन टैलेंट की जरूरत है। वो टैलेंट भारत की सेमीकंडक्टर पॉलिसी ने शुरुआत से, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रहेगी टैलेंट, क्योंकि दूसरे देश सक्षम है अलग तरीके से, उनके अपनी स्ट्रेंथ से उनके पास बहुत समृद्धि है, तो दूसरे देश ज्यादा पैसे लगा लेंगे। जैसे अमेरिका ने 54 बिलियन डॉलर लगाए, यूरोप ने 48 बिलियन डॉलर लगाए, चाइना 140 बिलियन डॉलर लगा रहा है इस इंडस्ट्री पे, हमने 10 बिलियन डॉलर लगाया, लेकिन फिर भी सक्सेस हमें मिलेगी क्योंकि हम 80,000 इंजीनियर्स डेवलप करने के लिए कमिटमेंट दे रहे हैं। 80,000 इंजीनियर्स, 80,000 टैलेंट डेवलप करने के लिए सेमीकंडक्टर पॉलिसी में डे वन से कमिटमेंट हुआ, और विद इन 1 ईयर 104 यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप किया, पूरा कोर्स क्यूरिकुलम चेंज किया। किस तरह से आज की जरूरतों के हिसाब से बीटेक कोर्स, एमटेक कोर्स, स्पेशलाइज्ड इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशलाइज्ड इन सेमीकंडक्टर डिजाइन, स्पेशलाइज्ड इन VLSI की जो फिजिक्स होती है, जिस तरह की आगे भविष्य में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, उस तरह के स्पेशलाइजेशन, वो सारा का सारा 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हुआ। दुनिया में एक कॉन्फिडेंस आया कि भारत में जो कहते हैं वो करते हैं।
वो कॉन्फिडेंस आया तो टैलेंट सबसे बड़ा फैक्टर, दूसरा बड़ा फैक्टर रहेगा ग्रीन एनर्जी का। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे अभी कि कच्छ में 30 गीगावाट का पावर प्लांट लग रहा है, सोलर प्लांट, 30 गीगावाट एक लोकेशन में। मतलब दुनिया में किसी को बताओ तो लोग 1 गीगावाट को बहुत बड़ा मानते हैं, यहाँ तो 30 गीगावाट एक जगह में लग रहा है। यानी जो दुनिया की आज की मैन्युफैक्चरिंग की जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है ग्रीन पावर, वो हिंदुस्तान में और विशेषकर गुजरात में स्पेशली अवेलेबल रहेगा। तो आपकी जो स्कोप 2 स्कोप 3 एमिशंस की बात करते हो गुरुशरण जी, वो आपके गुजरात में मीट हो जाएंगे। यानी आप दुनिया में अपने प्रोडक्ट को यू कैन सेल इट इन अ डिफरेंट, टोटली डिफरेंट वे। यू कैन से दिस इज वन प्रोडक्ट इन विच प्रैक्टिकली एंटायर पावर इज ग्रीन। बहुत बड़ा ये चेंज आएगा। और तीसरा बड़ा जो फैक्टर रहेगा हमारे यहाँ की कॉस्ट स्ट्रक्चर। आज जो सेमीकंडक्टर का कैपिटल है उसके अगर कंपैरिजन में हम देखें, अगर उसको 100 रुपये, ना मैं देशों का नाम नहीं लूँगा, उचित नहीं होता, अगर उसको 100 रुपये माने तो जो दूसरे बड़े देश हैं डेवलप्ड कंट्रीज, उसमें 140 या 160 रुपये की कॉस्ट आती है और हिंदुस्तान में कॉस्ट आएगी 80 रुपये की। 100 रुपये आज का कैपिटल है उसकी, हिंदुस्तान में 80 रुपये आएगी कॉस्ट, और जो दूसरे समृद्ध देश है डेवलप्ड देश है उनमें 140 या 160 की। ये जो तीन फैक्टर है, टैलेंट, ग्रीन एनर्जी और लोअर कॉस्ट, ये तीनों बहुत बड़ा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे भारत को। अभी यूएस प्रधानमंत्री जी ने भेजा था तो करीब 45 सेमीकंडक्टर कंपनियों से मिला, सब ने यह एक भाषा में कहा, एक ही स्वर में कहा, इंडिया इज गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट बिग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब एंड देयर इज नो डाउट इन इट। तो ये आज उसका पहला कदम है। मैं तीसरे पॉइंट में विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा उन सब टीम मेंबर्स को जिनके नाम आज यहाँ अगर हम नहीं लें तो बहुत बड़ी कमी रह जाएगी। अमितेश, विजय जी, सब के सब टीम मेंबर्स जिन्होंने दिन रात मेहनत की और एक ऐसा एग्जांपल सेट किया जो आज कोई भी आज इंडस्ट्रियल ग्लोबल इंडस्ट्री वाले आके मिलते हैं तो वो जब नाम लेते हैं तो गर्व से सीना फूल जाता है कि हमारी टीम, पीएम साहब की टीम, इतनी अच्छी टीम है, इतनी मजबूत टीम है, इतनी प्रोएक्टिव टीम है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के गवर्नेंस में बड़ा चेंज किया है कि आज हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो कि जिनको हमेशा एक अलग नज़र से देखते थे, वो आज ब्यूरोक्रेट्स ऐसे प्रोएक्टिव वे में काम कर रहे हैं कि दुनिया उसको पहचान रही है। मैं गुजरात को और माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार फिर बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने उस प्रोएक्टिवनेस में 4 चांद लगा दिए। मुझे जानकारी है कि साइक्लोन के टाइम में भी खड़े खड़े साइट पे खड़े खड़े आपने एलोकेशन लेटर साइन कर दिए। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकेंगे आज, लेकिन इतना आपने ये प्रोएक्टिव स्टेप लिया जिसके कारण आज 22 तारीख को माइक्रोन का अनाउंसमेंट हुआ था और आज हुई 28 तारीख, मात्र 6 दिन। 6 दिन के अंदर अंदर लैंड एलोकेशन, 6 दिन के अंदर अंदर MOU साइनिंग, प्रोजेक्ट अप्रूवल, इससे बड़ी स्पीड क्या हो सकती है? आपकी मेमोरी चिप इतनी स्पीड देगी? आज ये केवल एक शुरुआत है। मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, जिस विजन के साथ प्रधानमंत्री जी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को हिंदुस्तान में डेवलप कर रहे हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ ये पहला कदम है। इस पहले कदम के बाद में और कई बड़ी चीजें होने वाली है, तो तैयार रहिए और बड़ी बड़ी चीजों के लिए। धन्यवाद।